पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। तभी से पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र भारत के लिए बंद कर रखा है, जिसकी वजह से विमान कंपनियों को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। पुलवामा हमले के जवाब में बालाकोट में की गई सर्जिकल स्ट्राइक अब महंगी साबित हो रही है। इस हमले के बाद से पाकिस्तान ने अपने 11 में से 9 हवाई क्षेत्र को बंद कर रखा है। इसी वजह से भारतीय विमान कंपनियों को हर दिन करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में बताया कि 26 फरवरी से 2 जुलाई तक सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया को अभी तक 491 करोड़ रुपयों का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा स्पाइस जेट को 30.73 करोड़ और इंडिगो को 25.1 करोड़ का नुकसान हो चुका है। हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि एयर इंडिया का पहले से ही 59,000 करोड़ रुपयों के कर्ज में है, ऐसे में उसको करोड़ों का नुकसान और भी भारी पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने की वजह से फ्लाइट्स को डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लंबा रूट लेना पड़ रहा है। लंबी रूट की वजह से न सिर्फ उड़ानों का समय बढ़ गया है बल्कि एयरलाइंस कंपनियों के खर्च में भी बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि मार्च के महीने में पाकिस्तान ने तमाम देशों के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया था, लेकिन भारत पर उसकी पाबंदी अभी तक जारी है। इस पाबंदी की वजह से पाकिस्तान को भी तगड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विमान कंपनियां उसको हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए फीस देती हैं, जो उसे अब नहीं मिल रही। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस पाबंदी की वजह से अभी तक पाकिस्तान को 638 करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। एरिका ब्राक्टा, गो न्यूज़।